कृत्रिम बुद्धि क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या मशीन को इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि वह इंसानों द्वारा किए गए काम को आसानी से कर सके। इन मशीनों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये निर्णय लेने, सही और गलत की समझ, दृश्य धारणा, इंसानों की पहचान आदि जैसे कार्यों को आसानी से कर सकती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इन मशीनों को इंसानों जैसा दिमाग दिया जा रहा है ताकि वह भी इंसानों की तरह फैसले ले सके। इस समय कई ऐसी मशीनें हैं जो कई काम करती हैं, लेकिन हम उन मशीनों को स्मार्ट मशीन नहीं कह सकते क्योंकि इतना ही काम उन मशीनों से हो रहा है जितना उस मशीन को करने के निर्देश दिए गए। ये मशीनें न तो खुद कोई फैसला ले सकती हैं और न ही लोगों की पहचान कर सकती हैं। एआई इतिहास में कंप्यूटिंग में सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है, संभावित रूप से मानव जैसे तर्क और मानसिक प्रक्रियाओं के साथ सामान्य बुद्धि के स्तर तक पहुंच रहा है। जब पूरी तरह से महसूस किया जाता है तो एआई सिस्टम के पास आत्मजागरूकता, तर्क, सीखने, स्मृति, योजना और कल्पना सहित अनुभूति के व्यापक रूपों तक पहुंच होगी। किसी भी इंसान की तुलना में एआई सिस्टम की दुनिया के अधिकांश ज्ञान तक बहुत अधिक पहुंच होगी और उन समस्याओं को बनाने, संग्रहित करने और हल करने में सक्षम होगी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सॉफ्टवेयर ऑन पैसिव। ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान है जिसे डिजाइन और उत्पाद विकास के लिए डिजाइन किया गया है और एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया गया है जहां उपयोगकर्ताओं को सहायक स्वानुकूलन उत्पाद अनुशंसाएं और अधिक बुद्धिमान प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं, जो आभासी और भौतिक घटकों को जोड़ती है। उत्पाद डिजाइन के लिए एआई समाधान। अब जब एआई और मशीन लर्निंग ने वास्तविक समय में डेटा की व्याख्या और कार्य करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है तो हमारे लिए डिजाइन और उत्पाद विकास के निहितार्थों के साथ प्रयोग शुरू करने का समय आ गया है। कुछ कंपनियां पहले से ही एआई को अपना रही हैं। बाजार पर प्रदर्शित होने वाला पहला डिजाइनर केंद्रित एआई समाधान ऑन पैसिव उपभोक्ता के लिए उत्पाद और डिजाइन विकल्पों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है और प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिसे उपयोगकर्ता मूल्यवान मानता है। उपभोक्ता से रियल टाइम डेटा और फीडबैक के आधार पर उपयुक्त उत्पादों और कार्यों के बारे में सुझाव प्रदान करके ऑन पैसिव उत्पाद डिजाइन को पूरा करने में लगने वाले समय को काफी बढ़ा सकता है। ऑन पैसिव सबसे सटीक उत्पाद अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीन सीखने और दृश्य मॉडलिंग एल्गोरिदम के संयोजन का उपयोग करता है। उत्पाद अनुशंसाएं उपयोगकर्ता से एकत्र किए गए रियल टाइम डेटा की एक श्रृंखला पर आधारित होती है। वे उत्पाद जो वे वर्तमान में देख रहे हैं, उपयोगकर्ता द्वारा अतीत में खरीदे गए उत्पाद, उपयोगकर्ता के खरीद इतिहास के बारे में वर्तमान जानकारी, विभिन्न उत्पादों के वर्तमान स्टॉक स्तर, मौसमी उत्पाद सुझाव, मौजूदा वेबसाइटों या ऐप से उत्पाद जानकारी, साथ ही उत्पाद रेटिंग, समीक्षाएं और खरीदारी रसीदें। ऑन पैसिव फिर उन परिणामों को उत्पाद या डिजाइन विकल्पों से जोड़ता है जो उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक है। इस तरह समाधान समय पर प्रासंगिक और उपयोगी अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। उत्पाद डिजाइन में एआई के निहितार्थ काफी सकारात्मक हो सकते हैं, खासकर अगर मजबूत सूचना संसाधनों और एक ओपन सोर्स डिजाइन समुदाय के साथ संयुक्त हो। एक बार एआई और मशीन लर्निंग छोटे पैमाने के उत्पाद विकास पर सिद्ध हो जाने के बाद पूर्ण पैमाने पर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उत्पादों को डिजाइन करने के लिए समान अवधारणाओं और तकनीकों को लागू करने के कई अवसर होंगे जो तेजी से इंटरैक्टिव बनने की उम्मीद कर रहे हैं।